नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि। हर खबर किसान हित से जुड़ी हुई, डंके की चोट पर। ना इसे कल किसी का बाप मैट पाया था, ना आज मैट पाया, ना कभी भविष्य में मैट पाएगा, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो सोनू चौधरी की दी हुई रिपोर्ट को झुठला के दिखा सके। जिस तरीके से हम आप लोगों के साथ में शुरुआत से ही हर स्टेट में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको जो जमीनी सच्चाई दिखाई है ना, उसी के बलबूते आज आलू के रेटों में तेजी आप लोगों ने भरपूर उठाई है। आज भी जो रेट चल रहे हैं वो किसी भी स्थिति से कम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक सपना सजोया था कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के सहयोग से कि आलू 1100 ही बिकते रहे, इससे जो है हमारी जो है पूर्ति होती रहेगी। लेकिन सोनू चौधरी ही वो शख्सियत था जो आप लोगों को जनवरी से, जब तक आपकी आलू की खुदाई भी नहीं होती, आप दूसरा और तीसरा पानी लगा रहे थे, तभी सोनू चौधरी ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि किसान साथियों घबराना नहीं, ये वर्ष आपके लिए सुनहरा और गोल्डन चांसेस है। 3 सालों से जो आप आलू में घाटा उठा रहे हो उसकी इस वर्ष जो है क्षतिपूर्ति होगी, हालांकि लाभ नहीं होगा, लेकिन 1600 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा, क्योंकि पैदावार में इस बार 30 से 40% गिरावट आने वाली है। तब आप लोगों ने अरे ये फालतू बकरा है, ये हो रहा है, वो आ रहा है, लेकिन उसके बाद में जो स्थितियां बदली, जिस तरीके से आलू 1600 रुपए प्रति कट्टे के आंकड़े को छुआ और निकट भविष्य में 2000 रुपए प्रति कट्टे के आंकड़े को छुएगा, तो आपकी उम्मीदें भी हिलोरे मारने लग गई। और ऐसे में आप लोगों ने इस वर्ष मेरे मना करने के बावजूद आपने हर रेट में आलू बेचकर अपने जो कर्जे थे वो भी पटाए, कोल्ड का भाड़ा था वो भी पटाया, कोल्ड से जो कुछ भी आपने लेनदारी की थी आलू रखने के एवज में, वो सब कुछ किया। आज आप एक स्वाभिमानी जिंदगी जीने के उस पर स्थिति में पहुंच गए हैं, जिससे अब आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिके या 1800 रुपए प्रति कट्टा बिके, अब बस समय है धैर्य और संयम बनाए रखने का, जो आप लोगों को विशेष रूप से तैयार अपने आप को करना होगा कि किस तरीके से हम जो है इस चुनौतीपूर्ण माहौल, जो कि मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी फायदे के लिए बनाया गया, इससे किस तरीके से निपटना है। मैं आपको हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि आप जो है आपके यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है वो मुझे जानकारी नहीं है, और मैं जानना चाहता हूँ आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, वो आप शांतिपूर्वक अपने उसमें रखिए, आओ उजागर मत कीजिए, इससे आपकी कमी ही झलकती है। एक और ये तो गिद्ध हैं, इन्हें तो बस मांस का टुकड़ा मिल जाए और ये उसी पर झपट मार देते हैं, तो आप इस समय पर इन लोगों के लिए एक मांस का लोथड़ा बने हुए हो, और ये गिद्ध की तरह आप लोगों के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं कि आप लोग कब लुढ़कें और कब ये आपके ऊपर हमला कर दें और आलू अपने हाथों में ले लें, क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ हैं और आपको खुद ज्ञान है कि आपने लगभग हर जो छोटा मोटा किसान है उसने अपना 60 से 70% आलू जो है बेच लिया है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो पूरा ही लठ गाड़ के बैठे हुए हैं, और वो लोग निश्चित तौर पर आलू के 1800 से 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम ले लेंगे, ये एक साइंटिफिक और जो है भविष्य की बात है। लेकिन इसके इतर जो लोग किसान होकर भी और जो है कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनके अंदर एक जो है भय और एक घबराहट का माहौल है। अब ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि माहौल काफी चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौती से हमें किस तरीके से निपटना है ये हम किसान भली बात ही जानते हैं, ऐसे में आप कोई भी जोखिम उठाने से पूर्व एक बार अपने अंतर्मन से जरूर पूछ लेगा कि आज हम इन व्यापारियों और कोल्ड मालिकों की बातों में आकर जो अपना आलू बेच रहे हैं या जो कृत्य करने की सोच रहे हैं, क्या वो सही है? आपकी अंतरात्मा कभी गवाही नहीं देगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन कारण है देश भर में आलू की शॉर्टेज। अब किसान साथियों शॉर्टेज नहीं होती तो आप एक बात बताइए, जो इन लोगों ने भूटान का हल्ला उड़ाया, बेल्जियम का हल्ला उड़ाया, वेनेजुएला का हल्ला उड़ाया, नीदरलैंड का हल्ला उड़ाया कि वहां से आलू आएगा, यहां से आलू का लाने पर सरकार ये कर रही है वो कर रही है, आखिर सरकार को जब आलू का पूर्ण रूप से भंडारण है तो फिर बाहर से लाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? इस बारे में आप किसानों को सोचना होगा। कई लोग मेरे पास में फोन करते हैं, कई लोग जो है किसी और के पास में भी फोन करते हैं, लेकिन जवाब वही मिलता है, सीधा सा फंडा है जवाब में, और क्या होगा क्या भाई? आप एक बात समझिए, ये लोग क्या कह रहे हैं,
46% की निकासी पर ये लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है बाहर से आलू मंगा रही है। कई लोग जो है भूटान के पोस्टर जो है उसमें विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर डाल रहे हैं, कुछ लोग जो है का तमाम अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से ये पूछा जाए कि जब आलू की शॉर्टेज ही नहीं है, आलू पर्याप्त मात्रा में कोल्ड स्टोर में भरा हुआ है, तो फिर सरकार को या आप लोगों को ये जो मिथ्या यानी झूठी बातें हैं इनको ग्रुपों में या फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में डालने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, बुद्धि का इस्तेमाल कर लीजिए किसान साथियों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब आलू की शॉर्टेज ही नहीं है तो ये बातें कहां से उड़ रही हैं? इसका मतलब है आलू की शॉर्टेज है। तो आपके सामने सोनू चौधरी की बात पत्थर की लकीर बनकर उभरी है कि नहीं उभरी है? मैंने जो आप लोगों को शुरुआत से जो रिपोर्ट दी है वही आप लोगों को धरातल पर सच्चाई के रूप में देखने को मिली। एक नजीर पेश की है मैंने आप लोगों के सामने, क्योंकि एक दौर ऐसा भी था जब आप लोगों को आलू आप लोगों की बिना मर्जी के बेच दिया जाता था, आप लोगों को पता ही नहीं पड़ता था किस जगह पर क्या रेट चल रहे हैं, देश में आलू की क्या गतिविधियां चल रही हैं, आलू का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, किस देश में किस प्रदेश में आलू की शॉर्टेज है, किस प्रदेश में जो है आलू की मांग है, कि कौन सा प्रदेश आलू जो है उत्तर प्रदेश से ले रहा है, ये सब आप लोग जो है अनभिज्ञ थे। आज सोशल मीडिया के सहारे आपके सोनू चौधरी के माध्यम से आप इस बात की स्थिति में तो पहुंच गए हैं कि आज आपका आलू 1400 रुपये प्रति कट्टा से नीचे तो नहीं है। मैं आपकी किसानों की बात बड़ी कर लेता हूं, 1200 तो नीचे तो नहीं है, ऊपर ही है, ये भी रेट कम नहीं है। लेकिन आप लोग यहां पर समझदारी दिखाने की अपेक्षा आप लोग अपने अंदर एक घबराहट धारण कर लेते हो, रात और दिन आप लोगों को चैन नहीं आता है, अरे ये हो क्या होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। परम पिता परमेश्वर का हाथ आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, और निश्चित तौर पर जो आप लोगों के अंदर धारणा है कि हमारा आलू 1800 ही बिक जाए या 1600 ही बिक जाए या जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा ही बिक जाए, निश्चित तौर पर परम पिता परमेश्वर की आशीर्वाद से अनुकंपा से आपको ये रेट मिलेंगे, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। देखो इसका सबसे बड़ा कारण बंगाल में बंगालियों ने झूठ बोला कि पैदावार में गिरावट नहीं है और 11 करोड़ कट्टे बता दिए, लेकिन आप इससे भी अनभिज्ञ नहीं है, वहां पर जो है 30-40% की गिरावट थी। पहले ये हल्ला मचाते थे जिस तरीके से हमारे यूपी के मचा रहे, भूटान से आ रहा है, वियतनाम से आ रहा है या फलाने ढिकाने से आ रहा है। जब आलू की शॉर्टेज नहीं है तो क्यों इस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है? इसका मतलब शॉर्टेज है। ऐसे ही बंगाल के लोगों ने किया था, अरे नहीं है नहीं है नहीं है, और नहीं नहीं करते करते शॉर्टेज सामने आ गई। अब जब शॉर्टेज सामने आ गई तो बंगाल सरकार ने रोक लगा दी, ले लो बाबा जी का ठुल्लू। सच्चाई को बताना किसानों के मध्य सोनू चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि किसान सत्य तो जानना चाहते हैं लेकिन झूठ और बेहाई का फेंक के बनाए गए माहौल में किसान इस तरीके से उलझ के रह जाते हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर जो है आलू में तेजी हमें किस प्रकार से लेनी है, किसान वहीं पर फिसल जाते हैं। और मैं यहां एक बात कह सकता हूं, आपका आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, लेकिन इसमें एक शब्द मैं ये जोड़ूंगा, क्वालिटी के आधार पर ही बाजार में आज भी 50 रुपये की प्रति कट्टा की तेजी है, और आने वाले 10 से 15 तारीख के बाद में आलू में वो क्रांति वो तूफान उठेगा कि मंदड़िया किसान विरोधी लोग और कोल्ड मालिकों पर रोके नहीं रुकेगा, मैं ये लिखित में दे सकता हूं। और आपका आलू क्वालिटी जैसी है उसके अनुसार बिकेगा। अब आप ये कहो कि सोनू भैया तुम 2000 रुपये प्रति कट्टा ही करो, फलाने किसान को 2000 रुपये प्रति कट्टा लगो, दूसरे को 1900 रुपये प्रति कट्टा लगो, हमारा क्यों ना लग रहा, हमारा तो 1600 ही लग रहा है या हमारा तो 1500 ही लग रहा है। तो भैया देखो सुनो, आलू क्वालिटी पर ही बिकेगा। आप ऐसा तो नहीं है कि आपका आलू कैसा है या किस तरीके की मार्केट की डिमांड है, व्यापारी अपनी डिमांड के अनुसार खरीदेगा। आपको अच्छा लग रहा है तो बेचना, नहीं अच्छा लग रहा तो मत बेचिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। रिस्क तो लीजिए, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, रिस्क लीजिएगा, कोताही मत बरतिएगा। किसान साथियों, बंगाल से जो खबरें निकल कर आई उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में एक अवसर के रूप में जो है कोल्ड मालिकों और व्यापारियों ने ले लिया। पहले जहां पर यदा कदा बोलते थे कि ये नहीं है वो नहीं है, आज आपके कानों में ये बात तो आ गई
कि आलू 46% से ऊपर निकासी चल रही है, किसी किसी कोल्ड में जो है 40% है, तो किसी में ऊपर भी है। कई ज्ञानी जो हैं अपने अपने हिसाब से जो है व्याख्या परसेंटेज की कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपके पास में कितना आलू था और आपने कितना निकाल दिया, और कितने किसान ऐसे होंगे जो इलेक्शन में के दौरान जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब घबराहट में आके आलू निकाल गए। एक अभूतपूर्व निकासी किसानों द्वारा की गई थी, उसी का नतीजा है आज इतनी निकासी है। मैं ये दावे के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूं। अब किसान साथियों, इधर एक नई खुशखबरी यह है, मैंने आपको क्या बताया था, बंगाल में 35% की निकासी हो गई है। तब अभी 20 दिन पहले ही 35% की निकासी आएगी बंगाल में, तब ये लोग अरे ये मरवा देगा, बंगाल में निकासी इतनी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, समय का चक्र, समय का पहिया बहुत बलवान होता है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उनके द्वारा आज जो है रिपोर्ट जो है सार्वजनिक कर दी गई है, आपके सामने है। हुगली में 36% की निकासी है, हावड़ा में 38.5 यानी 39% निकासी मान सकते हैं, वर्धमान में 34%, बांकुरा में 35%, मैदनीपुर में 39%, बीरभूमि और मुर्शिदाबाद को मिलाकर 36%, नॉर्थ बंगाल में 29%। अगर ओवरऑल बंगाल की लगाएं तो 35% का निकासी का आंकड़ा जो है पार कर गया है। 35.12% बंगाल में आलू की निकासी हो चुकी है। अब वो लोग कहाँ हैं जो ये कह रहे थे कि बंगाल में आलू नहीं निकला है, बंगाल में आलू की शॉर्टेज नहीं है, बंगाल में ये है वो है। तुम्हारा जो स्थितियां है ना, वो ममता सरकार ने नब्ज जो है पकड़ ली, क्योंकि तुम लोग झूठ बहुत बोलते थे। आज मुझे गर्व है कि मेरी रिपोर्ट एक पत्थर की लकीर बनकर आप लोगों के सामने आई। अब भी शर्म नाम की कोई चीज हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों का साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन विरोध में सिर्फ एक सोनू चौधरी खड़ा हुआ था। आज भी सोनू चौधरी इस बात को कह देता है कि बंगाल में 30-40% लास्ट ईयर की पैदावार से गिरावट थी, और उसी का नतीजा कि ममता सरकार ने फाउंडेशन लगाई हुई है। अब किसान साथियों, कई लोग तो आप लोगों को आज जब तेजी मिल रही है और आने वाले दिनों में तेजी मिलेगी, उसको आप लोगों को देना नहीं चाहते और इससे अपना एक बहुत बड़ा फायदा करना सोच रहे हैं। आपको तो ये कीड़े मकोड़े की तरह बिहेव कर रहे हैं। आज अगर आलू तेज बिक रहा है तो कम से कम किसान साथियों, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखा रहे हो, और जो है आपकी तो उम्र ढल गई, या जो है आप 34-35 साल की हो, भर्ती नहीं देख सकते हो, लेकिन आपने एक उम्मीद, एक सपना जरूर पाला हुआ है कि मेरा भी जो है आलू तेज दरों पर बिके, मेरा भी एक जो है ऐसा प्रोफेशनल सा घर हो, मेरे पास भी 1-2 ट्रैक्टर हो, पूरे मशीनरी उपकरण हो, जिससे मैं जो हूँ एक सामर्थ्यवान विकास किसान कहूँ, विकसित किसान कहलाऊं। ये हर किसान की बात होती है, क्या उसके पास में इतना अच्छा वो जो हम दूसरों को देखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से आप लोगों को उसका पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है, और जो आप लोगों को मिलना चाहिए वो आपकी घबराहट की वजह से ये लोग फायदा उठा जाते हैं। अगर आज मैं एक स्थिति की मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज असम में थे, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम में 2-2, 4-4 कोल्ड स्टोरेज है। लेकिन आज स्थिति यह है, कोल्ड के सारे आलू जो है मार्केट में खप गया, बंगाल से आलू नहीं गया तो उनका जो है पूरा आलू जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में आलू को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बंगाल सरकार दे नहीं रही है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश ही एक मजबूत डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। यूं तो असम के लोग जो हैं पंजाब के लोगों से संपर्क साध रहे हैं और पंजाब के लोग उन्हें देने के लिए भी बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब से असम या उधर के लिए जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। पंजाब के लोग देना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ इश्यू ये है। अब ऐसे में कई जो व्यापारी हैं, कई जो बीज विक्रेता हैं, वो जो हैं रेलवे मंत्रालय के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं ताकि 2-4 रैक मुहैया हो जाए तो पंजाब से आलू जो है वहां पर नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाए, तो पंजाब में भी रेटों में वृद्धि हो जाए। बहुत लोग जो है पंजाब के इस बात को लेकर उत्सुक हैं, कैसे भी 3-4 रैक ही मंजूर हो जाए जिससे जो है एक माहौल बन जाए आलू में तेजी का, तो वहां पर भी जो है आलू 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ 300-400 का 500 रुपए प्रति कट्टा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के किसान साथी इतनी मेहनत कर रहे हैं एक अपने राज्य से दूसरे राज्य पर आलू पहुंचाने के लिए, तो जो मेहनत करता है उसका फल तो भगवान देता ही देता है। अगर किसान सोच लें, समझ लें, तो उनके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं है। किसान साथियों, अब
झारखंड और जो है आपकी छत्तीसगढ़, दोनों ही सरकारों ने आज उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, और बातचीत करने के बाद में आलू को लेकर तय किया है कि दोनों ही राज्यों में क्रमशः 25-25 हजार कट्टे डेली जो है उत्तर प्रदेश से जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का ये फैसला आलू किसानों के हित में दूरगामी परिणाम साबित होगा, साथ ही उन मंडलियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा होगा जो आप लोगों से आज की स्थिति में सस्ती दरों पर आलू खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं जो है कोल्ड मालिक और व्यापारी अपनी मिली भगत से जो है किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो कहीं कोल्ड पर व्यापारी नहीं आ रहे, तो कहीं व्यापारी आ रहे हैं तो वो सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं, जिससे किसान के अंदर एक बहुत बड़ा खाई सी खोद दी है और किसान जो है जल्दी से जल्दी आलू बेचे वो हो जाए। लेकिन ये लोग समझते नहीं है। कई लोग कहते हैं कि निकासी में गिरावट आ गई। मैंने तो कहीं निकासी में गिरावट नहीं देखी है, लेकिन हाँ, अगर किसानों को 1500-1600 रुपए के दाम मिलेंगे तो किसान बेचेंगे अपने आलू को। अब इस रेट में तो बेचेंगे नहीं, और मैं किसानों से कहूंगा भी नहीं। किसान साथियों, मैं आप लोगों को आज वीडियो के माध्यम से ये बता देता हूं, मेरे पास में दिन भर में 50 से 100 व्यापारियों के कॉल आते हैं, 50 के आसपास जो है कुल मालिकों के रोजाना फोन आते हैं, और सिर्फ उनका एक ही कहना होता है, सोनू भाई किसानों को कहो आलू बेचें, आलू में ये होने वाला है, आलू में वो होने वाला है। मैंने कि मैं क्यों होता हूं कहने वाला? अगर आज आप किसान को अगर आप अच्छे रेट पर दिलवा रहे होते तो निश्चित तौर पर किसान आलू बिक्री के लिए आगे आते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो प्रोपेगेंडा फैला रखा है, तुम लोगों ने तो एक सोची समझी रणनीति बना रखी है। 60 कोस के व्यापारी और कोल्ड मालिक एक हुए हैं, और किसान आपके तो तमाम सोर्स हैं। मंडियों के बारे में आपको जानकारी मिल रही है, आपको जो है देश भर में क्या गतिविधियां चल रही वो जानकारी मिल रही है, एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, सब तरीके से आपको हर तरीके से आपके तो सब कुछ है। लेकिन किसानों के तो यूट्यूबर हैं भाई। किसानों के साथ कौन है? किसानों के साथ सोनू चौधरी है कि एक सोनू चौधरी किसानों के साथ खड़ा हुआ है, ढाल बनकर खड़ा हुआ है, ताकि कोई भी किसान सस्ती दरों पर आलू ना बेच पाए। और कई तो ये कहते हुए देखे जाते हैं, अरे फलाना यूट्यूबर ये कह रहा है आलू को निकालो, आलू के हर रेट लो, ये लो वो लो, तुम क्यों नहीं कहते हो? भाई मैं क्यों कहूंगा, मेरी क्या वो मतलब निकल रहा है? किसान का आलू है, किसान को अगर आज अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो निकालेंगे, अगर अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं तो मैं उनको कदा भी फोर्स नहीं करूंगा आलू निकालने के लिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो किसान के मन के मुताबिक रेट दीजिए, मंडियों में जो भाव चल रहा है उसके मुताबिक रेट दीजिए, जिससे आप भी खुश रहें, व्यापारी भी खुश रहे, और जो है किसान भी खुश रहे। लेकिन क्या है कि आप लोग उनका शोषण करना चाह रहे हो, उनसे आलू जबरदस्ती लेना चाहते हो, एक घबराहट एक भय का माहौल बनाकर। तो ऐसे में ये तो सोनू चौधरी होने नहीं देगा कि जो है कहे कि आप लोगों का, मैं आप लोगों का कोई गुलाम नहीं हूं, मैं जूता रखता हूं, मेरे जूते में इतनी दम है, बातों में जितनी दम है ना उससे ज्यादा जूते में दम रखता हूं, क्योंकि मैं झुकने वाला नहीं हूं, मुझे स्थितियां पता है, मैं किसानों के साथ खड़ा हुआ हूं, किसानों का एक एक रुपया एक एक पाया उनको दिला के ही रहूंगा। अब देखो ये तो किसान की मर्जी है कि किसान जो है आपकी बातों में आकर बेच जाए, वो बात अलग है। आप किस तरीके से किसान को डील कर रहे हो वो आप जानो, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, चाहे आप मेरे खास हो, चाहे मेरे विरोधी हो, चाहे कोल्ड मालिक हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसमें जो है कोई कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप कैसे भी उनसे कर सकते हो। लेकिन मैं किसानों को न तो आलू बेचने के लिए फोर्स करूंगा, न ही आलू रोकने के लिए फोर्स करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आलू किसानों को आलू के अच्छे रेट मिल जाए। जो आप लोगों ने सोनू चौधरी के खिलाफ किसानों का मन भर के और इतना विरोध फैलाया कि ये कर देगा वो कर देगा, आज भी मैं अपने चैनल के कमेंट देखता हूँ, कई जो है वैभव शर्मा के उस पर कमेंट देखता हूँ कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो कि अपनी कमजोरियों को सबके सामने जाहिर करके, और इनमें व्यापारी भी शामिल हैं, कोल्ड मालिक भी शामिल हैं, मैनेजर मुनीम भी शामिल हैं, जो कि आप लोगों से सस्ता आलू खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो लोग जो है अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं, और आप लोगों के आगे दाना डाला जा रहा है आपको फंसाने के लिए। अरे फलाने जिले में तो ये इतने परसेंट की निकासी हुई है, या फलाने में तो इतना ही आलू अटका है, जा रेट पे बिक रहा है, फलाने में जा रेट पे बिक रहा है, या रेट पे बिक रहा है, ये किसान नहीं है, ये सब व्यापारी हैं। और अगर किसान इनमें से एक भी है तो तत्काल ऐसे वक्तव्य को, ऐसी टिप्पणियों को चैनल पर करना बंद कर दो, इससे सिर्फ नुकसान आप ही को होना है।
व्यापारी तो फायदे में, ओल्ड मालिक फायदे में, आप अपने जीना मरना खुद देखिए कि जो आप कमेंट कर रहे हैं ना वो आपकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसलिए न तो किसी से ये कहो कि कोई मेरा 1400 या 1600 रुपये इकट्ठा खरीद ले, ना कहोते जी के हो कि 1600 रुपये आया तब मैं बेचूंगा, ये ना कहोते जी के हो कि हमारे यहाँ भी आलू जावा बिक्रो है, अगर तुम जावा देखियोगे तो निश्चित तौर पर गड्ढे में जा रहे हो, इस बात को लिख लो। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ हल्की जुबान और हल्की बातों का प्रयोग कदापि मत करो, क्योंकि ये एक ऐसा समय है, ये एक चुनौतीपूर्ण समय है जहां पर आपको बचकर निकलते हुए अपने आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त करने हैं, और भगवान ने चाहे तो आपको और मिलेंगे, अवसर बहुत हैं। इधर साउथ की डिमांड भी पूरी करनी है, इधर जो है आपका जो है गुजरात में जो है राजस्थान आलू खत्म हो गया वहां पे भी जाना है, उत्तर प्रदेश की डिमांड है, साउथ में तो वहां पर आलू चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी फसल आ जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कई लोग हसन के बारे में बोलेंगे, कई वो करेंगे, कितनी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आलूग्रा का आलू बिकना, जो उत्तर प्रदेश का आलू बिकना है उसके आगे वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वर्षा प्रभावित आलू हमेशा से न तो वो किसी खाने योग्य होता ना ही कुछ होता, वो सिर्फ एक हवा होती है जिससे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाए, लेकिन ये हवा भी किसी काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि आलू ही नहीं है। अगर कहीं 2% खुद जाए या 3% खुद जाए, कोई जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है, 100% की डिमांड है और 2% निकल आए, केवल ये मेढक जो है ढपोर संक ये बस टर टर करते रहेंगे और कुछ नहीं होना, आलू आपका उसी रेट पर बिकेगा जो हम कह रहे हैं। आप लिखित में ले लेना, वीडियो भी शेयर कर लेना, और ये किसान ये भी याद रखना, कोई भी व्यापारी या कोई कोल्ड मालिक ये कहता है कि आलू में ये होने वाला है या आलू में वो होने वाला है, तो आप सिर्फ ये कहिए कि हम वो किसान हैं जिसने आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बेचा है, और आलू हमने 300 रुपये भी प्रति कट्टा बेचा है, और आलू हमने जो है गौशालाओं में भी दान किया है, तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। हमने अपना 60-70% आलू बेचकर कोल्ड आपका भाड़ा चुका दिया, आपसे जो खर्चा लिया था वो चुका दिया, अब आपको किस बात का डर है। हमारा आलू है और हम जो है उसे 2000 रुपये प्रति कट्टा बेचें, बेचे जाए 3000, चाहे बेचें हम 300 रुपये कट्टा, आप होते कौन हो। अगर आप इस तरीके की बातें अपने मुख से करने लग जाओगे ना, उस दिन इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और ये आप लोगों से आंख नहीं मिला पाएंगे जो आज स्थितियां बन रही हैं। तो निश्चित तौर पर आप अपनी आवाज को, आंखों को कड़क करना सीख लीजिए, अगर आप मुलायम रखेंगे तो यहां भी होंगे। अपना जीना मरना किसान साथी आप खुद देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जो रेट बता रहा हूं ना वो आपको मिलेंगे, झुकना मत। अरे यार हम सीधा जानते हैं कि इतने तीन हमने इतना आलू निकाल लिया और इतना बचा हुआ है, अब हमारा चाहे 2000 बिके, 1600 बिके, 300 बिके, चाहे हमारा बिके 4000, तुम्हारे को क्या लेना देना है बताओ। ऐसे अगर आप लोग बात करोगे तो निश्चित तौर पर आलू में तेजी का भयंकर तेजी भी आप ले लोगे, और आप यही कहोगे कि कोल्ड मालिक जी कह रहे हो या जी कह रहे हो और जी कर दो भुकत दो, तो वे तो लुटेरे बैठे हैं, तो लूट लेंगे तुम्हें। आप इस बात को तो देखो, आप इस बात को एक बार कहो, दिल से कहो, कड़क आवाज में कहो, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदा, लेकिन आप लोगों के अंदर जो बुजदिली है उसको तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। आज सभी मंडियों में जो है तेजी है, आपकी जिसे चोर मंडी बोलते हैं दिल्ली आजमपुर, यहाँ पे भी आलू जो है आज 50 रुपये प्रति कट्टा तेज हुआ है। सूर्य आलू 1550 रुपये प्रति कट्टा बिका है, 1300 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कट्टा जो है चिप्सोन आलू बिके हैं, 3797 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा में जो है आलू बिके हैं। कानपुर में भी आपको यही स्थिति मिलेगी, लेकिन आप लोग उस चीज को समझने का प्रयास नहीं करते। इधर आज देख लो, ये देखो टीकम सिंह कोल्ड स्टोरेज, TS कोल्ड स्टोरेज खंदौली का सबसे जाना माना दिग्गज किसान हितैषी प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पर 1505 रुपये प्रति कट्टा में 3797 बिका, देखो बकायदा। ये इस बात के संकेत हैं कि आलू में तो तेजी आएगी, जब कोल्ड में इस तरीके के आलू बिक रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको घबराने की तो कतई आवश्यकता नहीं है। बस चैलेंज के साथ आंख से आंख मिलाकर, इनकी आंखों में आके डाके बात करो कि हमारा आलू है, हमने 300 के भी रेट लिया, हमने 2000 के भी लिया, हमने 1600 के भी लिए, अगर हमने गौशालाओं में भी दिया, तुम्हारे क्यों सुलग रही है, तुम क्यों वो करते हो, हमारा आलू है, हम जाने अपने आलू के बारे में, तुमसे कोई हम सलाह ले रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तुम इस तरीके की बात करोगे किसान साथियों, तो आप आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर लोगे, ये मेरा अपना मानना है। बाद बाकी आपके अंदर जो बुजदिली है, जो डरपोकपना है, या जो है घबराहट का माहौल है, इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो, ये तो आपको खुद निकालनी होगी किसान साथियों। बहरहाल चेन्नई की मंडी की बात करें तो आज 34 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो बिकी है। मदुरई मंडी आज जो है 36 रुपये किलो से लेकर 38-39 रुपये किलो तक बिकी है। तिरछी की मंडी
आज जो है 34 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक बिकी है। कोयम्बटूर मंडी में आज 1 रुपए किलो की तेजी देखी गई है, 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिकी है। महबूब नगर मंडी 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर बिकी है। वहीं हैदराबाद की मंडी अगर बात की जाए तो 302 आलू 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक किसान साथियों बेंगलोर की मंडी में आलू जो है बिके हैं। वहीं सब नजदीकी मंडी अगर जयपुर की बात करें, यहाँ 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो का किसान साथियों आलू का भाव चला है। तो निश्चित तौर पर आलू में तो कोई गिरावट है नहीं, बस गिरावट कहाँ है, बस गिरावट है इन लोगों के द्वारा बनाई गई साठ गांठ करके कोल्ड स्टोर में स्थिति से। बाकी सब जगह आलू में तेजी है, आप लोग जो है अपने धैर्य बनाकर संयम बनाकर रखिए और आलू में अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त कीजिए, ये हमारा मानना है। बाद बाकी अगर आपको आलू बेचना है या वो कुछ और करना है तो ये आप लोगों की मर्जी, आप जो है आलू के लिए स्वतंत्र हैं और इसमें जो है आप जो है किसी को भी आरोपित न ठहराएं, आपका निर्णय है, हम उस निर्णय को स्वागत करते हैं। बहरहाल किसान साथी वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर आपको किसी भी एंगल से आपके हित में हितार्थ लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन सस्ते में आलू मत बेचिएगा, मेरा आपको पुनः यही कहना रहेगा।